हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की टेक्निक। साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसी वीडियो से आप जुड़े हैं, तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोज या क्लासेस नहीं ली हैं तो बेटा जी चैप्टर वन भी हम फिनिश करके आ चुके हैं। आप चैप्टर वन की सारी वीडियो जाकर देख कर आइए, उसका लिंक भी बेटा जी आपको डिस्क्रिप्शन में है अपना। जी इसको बहुत ढंग से पढ़ के चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टडी। ये हमारी आज की क्लास की लास्ट टेक्निक है और सबसे इंपोर्टेंट टेक्निक है, तो बहुत ढंग से पढ़कर चलेंगे मेरे बच्चों। चलिए बेटा जी, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम स्टडी के बारे में, मोशन स्टडी के बारे में, मेथड स्टडी के बारे में। फर्दर कितने पार्ट हो गए वर्क स्टडी के अंदर? आप चार चीजें पढ़ने वाले हो। ये सारी चीजें बहुत इंपोर्टेंट है बेटा जी, बहुत ढंग से आप इन्हें पढ़कर चलेंगे। चलिए, पर्पज क्या है वर्क स्टडी को पढ़ने का, हमारा पर्पज क्या है एक बार ये समझ लेते हैं कि वर्क स्टडी की बात हम क्यों कर रहे हैं। बेटा जी ये स्टडी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें कुछ आंसर्स मिल जाएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे। पहला, सर हम बेस्ट वे ढूंढ पाएंगे, हम सबसे पहले अपना बेस्ट वे ढूंढ पाएंगे जिस हिसाब से हमें चीजों को खत्म करना है। साथ में हम अपना स्टैंडर्ड टाइम, जो हमने बात की थी स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है, तो कैसे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे ये भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। और वेस्टेज को हम रिड्यूस कर पाएंगे अगर हम इसको स्टडी को पढ़ते हैं। और साथ में वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है या वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी और हम कर पाएंगे कैलकुलेट वेज रेट को। तो ये सारी बातों का आंसर जानने के लिए हम बेटा जी इसको पढ़ रहे हैं। इन सारी बातों का आंसर जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं वर्क स्टडी के सबसे पहले मेथड की, दैट इज मेथड स्टडी। तो वर्क स्टडी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेथड स्टडी के बारे में मेरे बच्चों। तो मेथड स्टडी में हमें क्या ढूंढना है? तो ये कह रहा है, देखिए जी, काम करने के, एक ही काम को करने के बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको उन वेरियस काइंड ऑफ मेथड में से जो मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है वो सिलेक्ट करना है, उसी को हम मेथड स्टडी बोलते हैं। यानी कि मेथड स्टडी में हम फाइंड आउट करने वाले हैं सबसे अच्छा तरीका ऑफ डूइंग द जॉब आउट ऑफ द वेरियस मेथड। बहुत सारे मेथड में से हम वो मेथड ढूंढेंगे जो मेथड हमारे लिए सबसे अच्छा है। सर पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, सबके मेथड अलग अलग हैं, किसी को किसी का समझ आता है, किसी को किसी का समझ आता है। तो इसी तरीके से जैसे आप आके ढूंढते हैं हम किसकी कोर्स खरीदें, हम किसकी क्लासेस लें, यूट्यूब पे हमें किसके लेक्चर देखने चाहिए, तो आप बहुत सारे देख के किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही होता है बेटा जी मेथड स्टडी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन करने के तरीके हैं, उनमें से कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे बढ़िया है उसको हमें सेलेक्ट करना है। जैसे आप अपना अच्छा मास्टर ढूंढ लेते हो, सभी अच्छे हैं वैसे तो ठीक, और आप ढूंढते ढूंढते हम तक भी पहुंच गए हो, तो इसी तरीके से आपने अपना बेस्ट मेथड या बेस्ट स्टडी वाला मास्टर ढूंढ लिया, इसी तरीके से कंपनी बेस्ट मेथड ढूंढ लेगी प्रोडक्टिविटी करने का। ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? सर ऐसा करने से फायदा यह होगा, आपने बेस्ट मेथड ढूंढा है तो बेस्ट मेथड वही तो होगा जो आपकी कॉस्ट को कम कर दे और आपके प्रोडक्शन को ज्यादा कर दे और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई कर दे, वही मेथड तो आप सबसे अच्छा मानोगे। तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वांटिटी एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर आप अच्छे से टाइम स्टडी, नहीं टाइम स्टडी कह रहे हैं, मेथड स्टडी में अप्रोच करेंगे तो आपको ढंग से, ऐसा करने से, आपको ढंग का मेथड सेलेक्ट करने से आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। साथ में एम्ड एट स्टैंडर्डाइजिंग द जॉब, और साथ में आपका एम रहने वाला है स्टैंडर्डाइजिंग द जॉब को लेकर, यानी कि एक स्टैंडर्ड पे हमें काम करना है, हम एक स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, हम घटिया काम नहीं करेंगे। सर सर यहां पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे मेथड स्टडीज के लिए? तो बेटा जी आप प्रोसेस चार्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, आप ऑपरेशनल रिसर्च कर सकते हैं,
यानी कि आपका मैनेजमेंट रिसर्च करेगा, बहुत सारे मेथड्स को चेक करेगा, ये बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, सबकी खामियां फायदे देखेगा, सबके नुकसान देखेगा, लिस्ट डाउन करेगा फायदे नुकसान को, और उस रिसर्च के बेस पे वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा मेथड उनके लिए बढ़िया है। तो सर ऑपरेशनल रिसर्च यहाँ पे टूल रहने वाला है, और प्रोसेस चार्ट जो आप बनाएंगे उन सब में आप कंपेयर करके जो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है उसको आप क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं मेरे बेटा जी। मोशन स्टडीज में अब हम क्या करने वाले हैं सर, मोशन स्टडीज में हम मोशन या मूवमेंट चेक करने वाले हैं। जब लेबर काम कर रहे होंगे तो हम लेबर के मूवमेंट या मोशन को देखने वाले हैं। सर उनके मूवमेंट या उनको काम करते हुए देखकर हमें क्या मिलेगा, उनको काम करते हुए देखकर हमें यह मिलेगा, अगर कोई ऐसी मूवमेंट या ऐसा मोशन हमें दिखाई देता है जो अननेसेसरी है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, तो हम इसको स्टडी करके, इस मोशन स्टडी को करके उस एक्स्ट्रा पार्ट को, अननेसेसरी पार्ट को हम वहां से एलिमिनेट करेंगे। इसलिए हम कर रहे हैं मोशन स्टडी की बात यहां पर। तो बेटा जी ये कह रहा है कि इस स्टडी में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी में हम क्या करते हैं, जब लोग काम कर रहे होते हैं, जब अपना मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो भी उन्हें काम दे रखा है वो जब वो मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो विच आर अंडरटेकिंग वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब, एक जॉब को करते टाइम जो वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो टास्क उन्हें दिया रहता है उस टास्क के हिसाब से वो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तब हम ये चेक करते हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट्स टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब और आपका जॉब हो जाए एफिशिएंटली। कहने का मतलब ये है, मीनिंग ये है, लोग काम करेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी कैसे कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेथड गलत है या यहाँ पर इसने इस वजह से ज्यादा टाइम खराब कर दिया, तो आप उस पार्ट को एलिमिनेट करा देंगे। यानी कि आप लोगों के मोशन को, काम करने के तरीके को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और उनमें जो अननेसेसरी पार्ट है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहा है, उसको उठाकर आप एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा करने का फायदा क्या होगा सर, फायदा ही फायदा है, पॉसिबल टू फाइंड आउट द मोशन विच आर प्रोडक्टिव एंड विच आर नॉन प्रोडक्टिव। सर ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कौन सा मोशन हमारे लिए प्रोडक्टिव है, कौन सा अनप्रोडक्टिव है, और अनप्रोडक्टिव जो होगा उसको हटा देंगे, जो प्रोडक्टिव होगा उसको रखेंगे। सर अननेसेसरी मूवमेंट आर कैन बी रिमूव्ड सो दैट कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली, और अननेसेसरी मूवमेंट को हटा देंगे ताकि हम जॉब एफिशिएंटली खत्म कर पाए। क्या 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 इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं सर, स्टॉपवॉच एंड द वेरियस सिंबल एंड द कलर्स। सर कोई सिंबल, कलर्स या स्टॉपवॉच यूज कर लेंगे कि इस, देखिए इनके, इन्होंने कहा ना हमारा साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि इनके पास रिसर्च बेस पहले से किसी काम को कितने टाइम पे खत्म किया जाएगा उसका स्टैंडर्ड क्या वो है। अगर आपने उस काम को खत्म करने में उस स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम ले लिया तो यहां पर वो आकर नोट करेंगे कि ज्यादा टाइम क्यों लगा है, फिर वो रीजन ढूंढेंगे। इसका मतलब वो आपके मूवमेंट को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक वो मूवमेंट जो प्रोडक्टिव है और एक वो मूवमेंट जो अनप्रोडक्टिव है, उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को यहां से एलिमिनेट कर देंगे ताकि केवल प्रोडक्टिव मूवमेंट ही रहा जाए। साधारण भाषाओं में कहूं आपका रेस्ट इंटरवल, सर हम जानबूझ के आराम से काम कर रहे थे तो वो बेटा चेक कर रहा है आपके मोशन को और उसी अनप्रोडक्टिव पार्ट को वहां से एलिमिनेट कर देगा। ऐसा नहीं है रेस्ट नहीं करने देंगे, ना साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से कितना रेस्ट जरूरी है उतना रेस्ट तो करने देंगे। आप ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, ज्यादा रिपीटिव वर्क कर रहे हैं, तो उन मोशंस को नोट करके वो उन मोशन को वहां से डिलीट करा देंगे ताकि टाइम खराब ना हो और काम आपका अच्छे से हो, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम स्टडी के बारे में, तो टाइम स्टडीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बेटा जी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी आ जाते हैं टाइम स्टडी पे। टाइम स्टडी में वो क्या देखेंगे, एनालाइज करेंगे सर, वो एनालाइज करेंगे यहाँ पर कि कितना टाइम टेकन किया गया है बाय ईच वर्कर टू फिनिश अ स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड आपको दिए गए थे उन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने कितना टाइम टेकन किया है इस काम को खत्म करने में। दो ही बातें होंगी टाइम स्टडी में, या तो आपने स्टैंडर्ड से कम टाइम लिया होगा या आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लिया होगा। अगर आप स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लेते हैं तो फिर लेबर आपके मैनेजमेंट आपका जो वेज सिस्टम है उसको बढ़ाएगा क्योंकि एफिशिएंट लोगों को ज्यादा देने का प्लान उन्होंने बना रखा है। तो देखिए सर इससे क्या होगा, सर ऐसा करने से क्या होगा, डिटरमाइन कर पाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ लेबर, मेक सुटेबल इंसेंटिव स्कीम। सर
जिसने कम टाइम लिया उसको ज्यादा इंसेंटिव देंगे, जिसने ज्यादा टाइम लिया है उसको सैलरी देंगे, जिसने स्टैंडर्ड से भी नीचे किया उसको और कम सैलरी देंगे। तो इन सब सारी चीजों के लिए टाइम स्टडी का होना बहुत जरूरी है। आप टाइम देखेंगे, लेबर कितनी देर आई है, किसने 6 घंटे काम किया है, किसने 8 घंटे काम किया है, किसने 10 घंटे काम किया। अगर आप स्टडी करेंगे तभी तो आप लेबर की कॉस्ट निकाल पाएंगे। मान लेते हैं आप लेबर को 500 रुपए दिन के हिसाब से, यानी कि 8 घंटे के 500 रुपए दे रहे हैं, तो किसी ने 6 घंटे काम किया तो प्रोपोर्शनेटली उसको उतना कम अमाउंट देंगे, जिसने ज्यादा किया प्रोपोर्शनेटली उसको उतना ज्यादा अमाउंट देंगे। तो ये तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब आपने टाइम स्टडी किया है, आपके पास टाइम रिकॉर्ड है, आप टाइम को मैनेज करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी वर्कर की, और उनमें सर टाइम को लेके अवेयरनेस आ जाएगी। देखिए अगर आपके टाइम को कोई स्टडी कर रहा है, देख रहा है आप कितना टाइम लगा रहे हैं प्रोडक्शन करने में, तो आप भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से सचेत हो जाएंगे कि नहीं यार ये लोग देख रहे हैं, अगर हम टाइम पे काम खत्म नहीं करेंगे ना तो हमारी वेजेस कम हो जाएगी। तो आप लोग खुद से भी रेडी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपके टाइम की स्टडी की जा रही है, कौन कितना टाइम लगा रहा है, कौन कम लगा रहा है, कौन ज्यादा लगा रहा है। सर क्या इंस्ट्रूमेंट वो यूज करेंगे यहाँ पे, स्टॉप वॉचेस वगैरह का वो यहाँ यूज करेंगे। देखिएगा, बात करते हैं बेटा जी। सर ये स्टडी तो बहुत काम की है, ये आपके मतलब की बात कर रही है, कह रहे हैं अभी एक काम करके आए हैं हम, तो थोड़ा टाइम तो दे दो। तो देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट इंटरवल होना चाहिए बिटवीन टू वर्क स्पैन, दो कामों के बीच में साइंटिफिक अप्रोच के आधार पर एक प्रॉपर रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरवल होगा तो आप टायर्ड फील नहीं करेंगे, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रोंग नजर आएंगे, और अगर आप फिजिकली मेंटली आपको रेस्ट मिलेगा टाइम टू टाइम, तो ऐसा करने से सर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और हमारा जो स्टेमिना है वो भी रिबूस्ट हो जाएगा। तो ये सब होगा तो कंपनी के लिए ही तो फायदा है, क्योंकि हम कंपनी के लिए फिर से जी जान से काम करेंगे। तो अ पर्सन विल फील टायर्ड हो सकता है फिजिकल एंड मेंटल इफ ही सी डजंट नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग, अगर उसको आपने रेस्ट नहीं दिया काम करते हुए तो वो हो सकता है टायर्ड फील करे। तो अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए आप उनके लिए प्रॉपर रेस्ट का इंतजाम कीजिए काम करने के बीच में, साइंटिफिक आधार पे कि उन्हें कितना रेस्ट कितने टाइम के बाद जरूरी है काम करने के बाद। हेल्प वर्कर्स टू रीगेन स्टेमिना, अगर आप उन्हें प्रॉपर रेस्ट देंगे तो उनका स्टेमिना रीगेन हो जाएगा, यानी कि फिर से वो काम करने के लिए जल्दी रेडी हो जाएंगे, एंड वर्क गेन विद द सेम कैपेसिटी, और फिर से उसी कैपेसिटी से काम करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। बच्चों जी आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हो, उन्हें रेस्ट नहीं देते हैं, ठीक, उनको हम रेड बुल दे देते हैं, तो रेड बुल पिएंगे तो जल्दी काम पर लग जाएंगे। तो आजकल ऐसे कुछ स्टेमिना बूस्टर आ रहे हैं मार्केट में, बेटा जी हेल्थ के लिए खतरनाक चीजें हैं वो, उनको ना यूज किया करें, ठीक। नेचुरल जितना रहेंगे उतना बढ़िया रहता है, ये चीजें इतनी बढ़िया नहीं रहती हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमारा इतना ही था, अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपने लास्ट क्लास भी देखी है या नहीं देखी है, देखी है तो वो भी कमेंट करके बताएं, नहीं देखी है तो बेटा जी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। मिलते हैं बेटा जी आपको नेक्स्ट क्लास में।